नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। इन दिनों पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वही नवरात्रि पर मंदिरों में लोग कोरोना के खात्मे के लिए पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इस दौरान कानपुर में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब दिखाई दी, जहां नवरात्रि के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सप्तमी के दिन कन्याओं को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भोज कराया और उन्हें मास्क वितरण करते हुए इस महामारी को दूर भगाने के लिए प्रार्थना भी की है। समाज सेवी फखर इकबाल, जफरुल हसन कानपुर समाज सेव समिति के महामंत्री मुस्तकीम उर्फ बब्बन ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हम लोगों ने नवरात्रि की सप्तमी पर मंदिर परिसर में बैठाकर भोज कराया, जिसमें मुख्य रूप से फखर इकबाल, जफरुल हसन कानपुर समाज सेवा समिति के महामंत्री मुस्तकीम उर्फ बब्बन, जेपी शर्मा, सुरेश आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर संवाददाता वाजिद खान की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, रमजान के मौके को देखते हुए हम लोगों ने सारी तैयारी करके कन्या भोज करा के आज जो है ये सद्भावना की एक पहल हम लोगों ने जारी की, जिसे मुस्लिम एकता का भी एक जो है संदेश पूरे देश और पूरे हमारे इलाके में जारी हुआ। तो जब वो पूछे था क्या नाम है साहब, जफरुल हसन, क्या किया आज आप लोगों ने? क्या आपने आज जाजमू सिद्धनाथ घाट दुर्गा मंदिर के पास हम लोगों ने कन्या भोज कराया और मास्क वितरित किया, ताकि हमारे जाजमू के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो और हम लोग की ये मैसेज लोगों तक जाए, ताकि लोग एक दूसरे का एहतराम करें, ख्याल करें।